तो भाई ऐसा वीडियो आपके लिए लाए हैं जिन्हें देख आप कहेंगे भाई ये तो फेक वीडियो है। बट कभी कभी क्या होते हैं, जो दिखते हैं असल में वो होते नहीं, ठीक है। तो ये फेक वीडियो नहीं है, सुनने में लगते होंगे फेक टाइप के बट फेक वीडियो नहीं है। वीडियो की टॉपिक क्या है, या फिर टॉपिक है एक मिनट में याद करने का उपाय बताएंगे भाई एक मिनट में। लग रहा है आपको फेक वीडियो है बट ये फेक वीडियो नहीं है भाई। देखिए पढ़ने का तो ये समस्या यहाँ पढ़ने की नहीं है, ठीक है। पढ़ने का तो हम 10 पेज छोड़ो ना यार, 10 किताब पढ़ सकते हैं दिन भर में, ठीक है। दिन भर में हम 10 किताबें पढ़ सकते हैं, 10 किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, सवाल यहाँ पे है कि आप लंबे समय तक याद रख सकते हो कि नहीं, और कितने याद रखते हो। याद अगर रख लेते हैं तो आप कितना याद रख सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का यहाँ पे बहुत सारे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या जो चल रहा है लाइक बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखते हुए यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट में एक ही प्रॉब्लम है, याद करने की समस्या। याद नहीं होता यार, बहुत से याद कर करके थक गया, याद होता ही नहीं। होता भी है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन में याद किया हुआ भूल क्यों जाते हैं, ये सब सवाल होते हैं स्टूडेंट का। सर याद कैसे रखें, लंबे समय तक याद पढ़ा हुआ कैसे याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे समझाना चाहूंगा, कुछ बोलना चाहूंगा जिन्हें फॉलो कर आप एक मिनट में याद करेंगे, ठीक है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी सी है, पॉइंट मेन पॉइंट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए लाइक मान लीजिए सपोज डेट, सपोज है, ठीक है, सपोज कह रहे हैं। मान लीजिए सपोज डेट डॉक्टर ने आपको बहुत सारे मेडिसिन टैबलेट दिया, ठीक है। लाइक डॉक्टर ने आपको बहुत सारे मेडिसिन टैबलेट दिया। अब इन मेडिसिन में से, इन टैबलेट में से एक टैबलेट ऐसा होते हैं, एक टैबलेट ऐसा होते हैं भाई जो कि कहते हैं सुबह खाली पेट लेना है, ठीक है। सुबह खाली पेट खाना है या फिर लेना है सुबह, ठीक है, खाली पेट। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि डॉक्टर ने क्या क्या, सुबह खाली पेट लेना है, तो इसका कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई उपाय है। देखिए मेडिसिन तो बहुत सारे आपको दिए हैं, मेडिसिन टैबलेट आपको बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे उसको लीजिए, जिसे आप पढ़ने को देखिए लाइक आपको पढ़ने का बहुत से रहते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है, फिजिक्स सॉल्व करना होता है, केमिस्ट्री सॉल्व करना होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और ना जाने आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस रहता है लाइक, और भी अदर सब्जेक्ट रहता है। तो बहुत से यहाँ भी हो गया एक तरह मेडिसिन टैबलेट ये भी है, बट एक होता है कि सुबह लेना है खाली पेट। वही यहाँ पे हो गया कि याद करना, ये जो याद करने का समस्या है ना, ये भी हमारा उस खाली पेट की टैबलेट की तरह होता है जो कि सुबह लेना होता है खाली पेट। ठीक, दवा लेंगे, टैबलेट लेंगे, वो कहाँ जाएगा, टैबलेट लेंगे कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप याद जो करते हैं वो कहाँ जाता है, वो पेट में नहीं जाता, वो दिमाग में जाता है, यहाँ पे जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि मतलब कि जैसे खाली पेट की तरह वो दवा को लिया जाए, दवा पेट में जाएगा, लेकिन अगर हम याद करेंगे तो उस टाइम याद करेंगे जिस टाइम हमारा ये खाली हो, समझ रहे हैं ना, ये खाली। उसी तरह जैसे सुबह खाली पेट उस टैबलेट को लेना है, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे सुबह खाली दिमाग यहाँ पे याद करना है। ट्रस्ट में आपको याद हो जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आपको सुबह 4 बजे जगने होंगे, 4 बजे हम हमेशा कहते हैं, 4 बजे जो होते हैं भाई वो 1 मिनट और दिन के 10 मिनट के बराबर हो जाता है। ट्रस्ट में भाई, ट्रस्ट में, आपको बिलीव नहीं होते होंगे, सुबह 4 बजे का 1 मिनट जो होता है स्टूडेंट के लिए, ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, सुबह 4 बजे 1 मिनट स्टूडेंट का वो दिन के 10 मिनट के बराबर हो जाता है। आई मीन सुबह स्टूडेंट के लिए 1 घंटा की पढ़ाई वो दिन के 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो जाता है, यकीन नहीं होते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि 1 मिनट में याद करने का उपाय एक के उपाय है, जबकि आपका दिमाग खाली हो, ठीक है। खाली होगा तो फटाफट आप में सेव होते जाएंगे, सेव होते जाएंगे। आप जो भी पढ़ेंगे, हो सकता है आप 1 बार पढ़ाई किए, 2 बार पढ़ाई किए, 3 बार पढ़ाई किए, इसी के लिए याद हो जाएंगे भाई, ट्रस्ट में। आप सुबह 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके लिए आपको मेरे बात मानने होंगे। आप 10 बजे सो जाइए, ट्रस्ट में, मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ। जब स्टूडेंट थे तब से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, जब हम 8 क्लास में थे, 9 क्लास में थे, तब से हम फॉलो करते आ रहे हैं, और आज भी हाल ही फिलहाल में मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए आप भी कीजिए, आप 10 बजे सो जाइए और सुबह 4 बजे जगिए, फिर देखिए आप खुद कहेंगे कमेंट में आके, सर हाँ आपने सही कहे थे। आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, देखिए आपको ट्रस्ट में याद हो जाएंगे आप जो भी पढ़ाई करेंगे। बिकॉज मैंने कहा ना कि सुबह का 1 घंटा वो दिन के 10 घंटे के बराबर हो जाता है,
इस बात को आप प्रूफ खुद कर देंगे। लाइक आप एक बार ट्राई तो कीजिए। देखिए सॉल्व करने का मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो भी हो, ये सब आप दिन में कर सकते हैं। बट जितने भी याद करने का आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, याद करने की क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आप मॉर्निंग में किया कीजिए, 4 बजे जगा कीजिए, 4 बजे से लेके 7 बजा दीजिए, 6:30 बजा दीजिए, इतना तक आप याद करने का टाइम रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम में याद ही करना है, आपको याद हो जाएंगे भाई, ट्रस्ट मी। एक बार आप ट्राई करके देखिए।